सो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम आप लोगों का 2024 में होना है, और इस एसएससी स्टेनो 2024 की या फिर किसी भी स्टेनो एग्ज़ाम की जो सबसे ड्रीम जॉब रहती है बच्चों की, वो है MEA, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सभी स्टूडेंट का सपना होता है कि मेरा MEA डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाए, मुझे MEA मिल जाए। लेकिन मिलता कुछ ही एक को है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए बहुत ज़बरदस्त वाली मेहनत। उसी तरह से मेहनत की थी हमारे साथ शीरू, जिसका मैंने थंबनेल पर पिक लगाया है, और इसके अलावा एक और बच्चा था, उसका मेरे पास पिक नहीं था इसलिए मैंने उसको नहीं लगाया, क्योंकि आपको विश्वास दिलाना मुश्किल हो जाता। यस, तो ये दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने MEA डिपार्टमेंट लिया इस साल, जो भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था उसमें। सो गाइस, ये एक बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसके लिए आपको दिन रात एक करने होंगे और बहुत मेहनत करनी होगी, मतलब इतनी मेहनत कि जितनी आप सोच भी नहीं सकते, ये कहना गलत होगा। यस, बस जितना आप कर रहे हैं उतना ही करना है, बस उसको थोड़ा सा अलग तरह से करना है। यस, यानी कि मेहनत तो आप सभी कर रहे हैं, इस बार आपके पास समय अच्छा खासा है। अभी भी अगर बात करें यहाँ से एग्ज़ाम्स की, तो लगभग 9 महीने लगभग आपके पास पूरे हैं। अक्टूबर नवंबर में जाकर एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होना है, जनवरी आपका स्टार्ट होना है कल परसों से। सो यहाँ से पूरे 9 मंथ आपके पास में हैं। यहाँ से अगर आप एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट बना कर चलेंगे तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हैं MEA में भी। बस आपको एक ध्येय बनाना होगा, डेली के टारगेट सेट करने होंगे। यस, जब इस बच्चे से मेरी बात हुई, या फिर एक और स्टूडेंट जो हमारे पास ही, मतलब वो मेरे ऑफलाइन बैच से स्टूडेंट है, तो उससे ज़्यादा संपर्क रहता था, वो सेंटर पे हमारे पास पूरा दिन रहती थी, तो पता था कि क्या कुछ कर रही है, किस तरह कर रही है। तो मैंने उसको देखा, तो गैस मधु शर्मा उसका नाम है लड़की का। यस, तो क्या था गैस कि ज़रूरी है कि आपका एक टाइम मैनेजमेंट हो। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि आप कल को क्या करने वाले हैं ये आपको आज पता रहना चाहिए। लाइक मान लीजिए आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, और आप लोगों ने मान लीजिए हमारा एक कोर्स बाय किया हुआ है, किरण का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, तो आप लोगों ने एक प्लान बना लिया है कि कल मैं कम से कम 2 वीडियो कॉमन एरर की, 2 वीडियो सिनोनिम्स की, 2 वीडियो क्लोज टेस्ट की, 2 वीडियो एक्टिव पैसिव की, ये देखनी है। 8 वीडियो होगी हमारे पास तैयार। उसके अलावा रीजनिंग की वीडियो देखनी है मुझे बैठ करके, 2 टॉपिक की, एक मुझे मॉक देना है। यस, फिर मुझे GS पढ़नी है। ये पहले शेड्यूल रख लो अपने पास तैयार। अब ये शेड्यूल आपका चाहे 2 घंटे में हो जाए, चाहे 10 घंटे में हो, जब तक ये कंप्लीट ना हो तब तक आपको उठना नहीं है। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या क्या है कि वो कल का कोई प्लान सेट नहीं करते हैं। लाइब्रेरी में जाकर के सेल्फ स्टडी में 8-8 10 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक प्लान सेट नहीं है कि मुझे करना कितना काम है आज। यस, ये एक प्लान सेट नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स। तो ये एक बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है मुझे बच्चों के साथ में, जो मैं देख रहा हूँ अपने ऑफलाइन बैच में भी और ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ में भी। अगर आप डेली एक प्लान सेट करें, टारगेट सेट करें कि आज मुझे इतना काम करना है। लाइक मान लीजिए आपने एक प्लान सेट कर लिया कि मुझे रोजाना 5 वीडियो देखनी है, तो जब तक 5 वीडियो नहीं होंगी तब तक आपको टेंशन में नहीं रहेगी, मुझे 5 वीडियो देखनी ही देखनी है, चाहे कैसे भी देखनी हो। तो आपको एक प्लान सेट करना होगा, डेली टाइम टेबल लिखो। मैं ये नहीं करा कि पूरे महीने का एक साथ लिख दो, कल को क्या करना है इसके बारे में आज लिख दो। यस, अब परसों का क्या करना है इसके बारे में कल लिखो, और एक रजिस्टर इस नाम का अलग से लगा लो, और फिर सुबह से देखना शुरू करो मैंने इसमें से कितना काम कर लिया और कितना काम इसमें से मैंने नहीं किया। यस, जब आपके सिर पर यह तलवार लटकेगी तब आपको लगेगा कि मैंने कितनी मेहनत की है कितनी नहीं। आप 10 घंटे 12 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी दिशा में नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसके कोई फ़ायदे भी, मतलब नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप इस तरह से एक प्लानिंग से काम करेंगे तो ये मुझे लग रहा है कि अच्छा तरीका होगा, क्योंकि उस बच्चे को भी हमने यही तरीका बताया था। वो बच्चा क्या था कि वो हमारे पास जुड़ा हुआ था, ऑफलाइन था तो वो फॉलो कर लेता था। यस, आप लोग ऑनलाइन हैं तो आपको समझाना पड़ता है, अब आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये हमें नहीं पहुँचा पाता, उसको तो हम लोग करवा लेते थे काम इस किसी तरह से। तो आप लोग बिल्कुल यही सोचें कि आप मेरे साथ बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह बैठे हुए हैं, और इसको टाइम शेड्यूल को आज ही तैयार करें और मुझे बिल्कुल डेफिनेटली भेजें अपना कि मैंने कैसे कैसे प्लान बनाया है। व्हाट्सअप मुझे करें, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि इसमें क्या ऐड करना है और क्या आपको रिमूव करना है। और देखिए, टारगेट बनाइए, पहले ही बता दूँ मैं आपको, इंग्लिश का देखिए एक हद होती है किस चीज़ की, उस हद को क्रॉस करना है हमें। इंग्लिश कम से कम 85+ प्लान बनाएं। यस, अगर आप 85 के आसपास इंग्लिश में ले आएँ तो यहाँ से आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। रीजनिंग में 45+, 85+, 45+, ये आपके 130 के आसपास मार्क्स हो जाते हैं। अब यहाँ से GS पे आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, वो भी अभी से ही, आज से ही, तब जाके काम बनेगा। यस,
आप सोचते हैं कि मैं एक महीना पहले दो महीना पहले किसी का क्रैश कोर्स ले लूँगा या किसी का बैच ले लूँगा। अरे भैया क्रैश कोर्स ले लोगे चाहे बैच लोगे पढ़ना तो आप ही लोगों को पड़ेगा ना, इसकी भी तो कोई क्षमता है ना याद करने की, दो दिन में थोड़ा याद कर लेगा पूरे साल का सिलेबस, तो उसको अभी से लग जाए काम करने में। जैसे कि करंट अफेयर्स है, अगर आप जनवरी से एक टारगेट बना लें कि मुझे करंट अफेयर्स करनी है, मैंने आपको बताया कई बार दो चैनल नेक्स्ट एग्जाम और रवि स्टडी IQ, डेली सुबह 6 बजे प्लान बना लो कि मुझे सुबह की 6 बजे वीडियो देखनी है, एक रजिस्टर लगा लो अलग से। अगर आप डेली का काम डेली ही कंप्लीट करते रहोगे तो आपको लास्ट में आगे करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी पड़ेगी और 8-10 क्वेश्चन आपके फिट हो चुके होंगे। यस, उसके अलावा 1 घंटे का डेली प्लान बना लो, मुझे स्टैटिक GK पढ़नी है। अगर आपने स्टैटिक GK अपनी सारी कंप्लीट कर ली 9 महीने में, 8-10 नंबर आपके ये पक्के हो गए, 15-16 नंबर आपके हाथ में आ चुके हैं। अब क्या करना है, सिर्फ आपको 15-16 की और मेहनत करनी है। बहुत ज़्यादा थोड़ा ना मुश्किल है कि मुश्किल मेरे से होगा ही नहीं, करना तो अभी को पड़ेगा ना। हम लोग तो यहाँ पर आकर के आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको तरीका बता सकते हैं, इस बुक से करना है, उस बुक से करना है, कैसे करना है ये आपको बता सकते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। यस, तो MEA डिपार्टमेंट में अगर लेना है सिलेक्शन तो ये प्लान अप्लाइए, और जिसको भी कोई दिक्कत हो मुझे डेफिनेटली मैसेज करिए, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। यस गाइस, तो लगे अपनी तैयारियों में, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।